पर्यावरण के लिए सबसे बड़ी कतार। भविष्य संवारने का शुरू हुआ काम। सभी समाज के लोग, सभी धर्म के को मानने वाले लोग, सब लोगों की जो भागीदारी हुई है, ये मामूली बात नहीं है। 5 करोड़ लोगों ने बनाई मानव श्रृंखला। जल है, जीवन है, हरियाली है, और हमें अपने आने वाले भविष्य को अगर सुरक्षित करना है, उसको संचयित करना है, तो इसके लिए ये बहुत ही आवश्यक है। जल जीवन हरियाली जो है ना, हमारा बहुत बड़ा पर्व है बिहार का, और इससे जिस तरह माँ बच्चे जो है अपने माँ के दूध के बिना नहीं रह सकता है, इसी सृष्टि पर जो पृथ्वी में जितने लोग हैं, जल और हरियाली के बिना नहीं रह सकते। 16,000 किलोमीटर की लंबी कतार। कतार के कई रंग नजर आए। जल जीवन हरियाली को सलाम। यहां खबर बिहार में सबसे पहले बात मानव श्रृंखला की ही होगी। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। जल जीवन हरियाली को लेकर आज बिहार में मानव श्रृंखला बनाई गई। 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। बिहार में बनी मानव श्रृंखला का मुख्य केंद्र पटना का गांधी मैदान रहा, जहां सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील मोदी, यूनाइटेड नेशंस के अतुल बगाई के अलावा कई दूसरे मंत्री मौजूद रहे। गांधी मैदान में मानव श्रृंखला बिहार के नक्शे पर बनाई गई, और इस मौके पर सीएम ने पूरे सूबे के लोगों को बधाई दी और कतार में शामिल होने के लिए धन्यवाद भी दिया। बिहार में बना नया विश्व रिकॉर्ड। मानव श्रृंखला में जुटा पूरा बिहार। गांधी मैदान में सीएम ने की अगुवाई। कतार में तो पूरा बिहार खड़ा हुआ, लेकिन इसका केंद्र बना पटना का गांधी मैदान, जहां सीएम की अगुवाई में मानव श्रृंखला बनाई गई, और यहां से ये श्रृंखला चारों दिशाओं में निकली। सभी समाज के लोग, सभी धर्म के को मानने वाले लोग, सब लोगों की जो भागीदारी हुई है, ये मामूली बात नहीं है। मैं समस्त बिहार वासियों को इस बात के लिए विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। गंगा नदी का जल हम लोग पहुँचाएंगे गया, बोध गया, राजगीर, उसके बाद नवादा, जहाँ बहुत बुरी स्थिति उत्पन्न होती है। एक एक काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन गंगा नदी का जल कब ले जाएंगे? वर्षा के टाइम में, बाकी समय में नहीं। मानव श्रृंखला को लेकर गांधी मैदान में जबरदस्त तैयारी की गई। श्रृंखला के जरिए बिहार के नक्शे को उकेरा गया, जो देखते ही बन रहा था। स्कूल के बच्चों से लेकर कॉलेज के स्टूडेंट तक इसमें शामिल हुए। 1 लाख से ज्यादा तालाब, पोखर, इनकी एरियल मैपिंग कर ली गई है, और 24,500 करोड़ रुपया खर्च करके उन तालाब, पोखर, आहर, पाइन को पुनर्जीवित करने का काम प्रारंभ हो गया है। अगले 3 साल में 8 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाएंगे। जितने भी सरकारी भवन हैं, उन पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम प्रारंभ हो गया है। गांधी मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम के साथ साथ कई मंत्री भी मौजूद रहे। साथ ही सभी ने पर्यावरण के लिए कतार बनाई और आने वाले भविष्य में इसके फायदे को भी बताया। बहुत अलग अलग चीज़ों पे मानव श्रृंखलाएँ होती रही हैं, पर पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए, जल और जीवन और हरियाली के लिए ये पहली है। इसलिए मैं इस मानव श्रृंखला को बधाई देना चाहता हूँ, और बधाई इस बात के साथ देना चाहता हूँ कि ये काम आगे सतत होना चाहिए। गांधी मैदान से चारों दिशाओं में निकली मानव श्रृंखला पूरे बिहार में बनाई गई, और 4 करोड़ से ज्यादा लोग कतार में सीएम के साथ लगे। शैलेंद्र के साथ आशुतोष, जी मीडिया, पटना।